एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ एमवीए का हल्ला बोल मार्च, आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का आज शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। महाविकास अघाड़ी का हल्ला बोल विरोध मार्च भाजपा व एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ आज मुंबई में होगा। इस विरोध मार्च को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दरअसल महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना, उद्धव बाला साहिब ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राकंपा और कांग्रेस महाराष्ट्र अन्याय के खिलाफ विरोध मार्च निकालेंगे। इस विरोध मार्च में छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले के अपमान का मुद्दा उठाया जाएगा। इसके अलावा कर्नाटक के सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी स्पीकरों के खिलाफ अत्याचार और राज्य से बाहर की जा रही औद्योगिक परियोजनाओं के खिलाफ महाविकास अघाड़ी प्रदर्शन करेंगे। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने हल्ला बोल मार्च को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र सरकार न केवल अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दे सहित सभी मोर्चों पर विफल रही है, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज और अंबेडकर साहब जैसे महापुरुषों का अपमान भी किया है। केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है और देवेंद्र फडणवीस ऐसे बयानों के लिए माफी नहीं मांग रहे हैं। सुप्रिया सुले ने बताया कि इस विरोध मार्च में शरद पवार भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर एकनाथ शिंदे सरकार और महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोश्यारी के खिलाफ आज मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट की सरकार और भाजपा के खिलाफ लोगों के गुस्से को इस विरोध मार्च के जरिए व्यक्त किया जाएगा। मार्च जेजे अस्पताल के पास से शुरू होगा और दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर समाप्त होगा। इस साल जून में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार गिराए जाने के बाद एमवीए के विरोध को सहयोगी दलों को एकजुट करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।